अगली कॉलर आगरा से दिशा जी है। नमस्कार दिशा जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, एंड जय जिनेन्द्र संदीप सर। एंड सर, एवरी टिप विच यू रिकमेंड इज वेरी बेनिफिशियल टू अस एंड वेरी फ्रूटफुल टू अस। मैम, आई हैव टू क्वेरीज, आइनॉक्स विंड एंड जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस। आई हैव 4000 आइनॉक्स विंड एट द रेट 142 एंड जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस 5000 एट द रेट 247। और कब तक का व्यू? मैम 1 ईयर तक होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, एक साल का नजरिया से दोनों स्टॉक्स पर क्या रहेगी राय? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा लगा, आपने अप्रिशिएट किया और आप फॉलो करते हैं, और विश करता हूं कि आपको और भी फायदा मिले हमारे चैनल से, हमारे पैनल से। इतनी राय लेके आते हैं, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, अच्छा लगता है आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आइनॉक्स विंड को वेरी फ्रेंकली मैंने बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं किया, मतलब मैं कोई कमेंट पूछते तो जवाब जरूर देते हैं, बट ओवरऑल मेरे को ये स्टॉक बहुत ज्यादा फैसिनेट नहीं करता है, क्योंकि ठीक है ये सारे स्टॉक्स थोड़े सुर्खियों में ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जो भी अल्टरनेट फ्यूल रिलेटेड, अल्टरनेट एनर्जी रिलेटेड जो स्टॉक्स होते हैं वो बढ़िया लगता है मार्केट को। तो हालांकि जिस सेक्टर में है वो सेक्टर थोड़ा बसिंग सेक्टर है, तो मेरे हिसाब से मैं फिर भी कहूंगा कि ये मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे है अभी तो, 142 पे लिया हुआ, 140 के लगभग हो सकता है यहाँ से चल भी जाए, बट मेरी राय ये रहती है कि मैं जनरली ऐसे टाइप के स्टॉक में इमीडिएटली नहीं घुसता जहां पे जल्दी से प्रॉफिट्स नहीं आते हैं काफी। हालांकि अभी टर्न अराउंड केस है, पिछले 2 क्वार्टर से पैसे बनने भी लगे हैं, बट येट आई विल नॉट बी वेरी कॉन्फिडेंट टू रिकमेंड एनीथिंग ऑन इट, बिकॉज हो सकता है टर्न अराउंड है तो बढ़िया भी चल जाए, और हो सकता है यहाँ से मार्केट टूटे तो टूट भी जाए, बट येट शी कैन फर्दर डिस्कस विद समवन एल्स ऑल्सो। और मेरी राय यही रहेगी कि अभी एक बार होल्ड कर सकते हैं, और थोड़ा अगर ऊपर आए तो एग्जिट कर जाए, क्योंकि मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप चल रहे हैं तो ये स्टॉक भी पार्टिसिपेट करेगा। जीआईसी हाउसिंग, यस आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक, मैंने बहुत साल पहले रेकमेंड किया हुआ, रिसेंटली मैंने कभी कभार एसपीएल में रेकमेंड किया है, बट मुझे समाव अच्छे लगते हैं सारे जो पीएसयूज प्रोमोटेड जो हाउसिंग कंपनीज है वो भी बढ़िया कर रहे हैं। अभी रिसेंटली कैनफिन होम जो नहीं चल रहा था वो भी चलने लग गया, हालांकि ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है, बट ये ऊपर के लेवल से करेक्ट होके 240-250 के लेवल्स पे अट्रैक्टिव लगता है मुझे, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे भी महंगा नहीं लगता ज्यादा, तो ठीक है ओवरऑल अपने बुक वैल्यू से नीचे ही चल रहा है, तो बिल्कुल इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न देगा, 300 तक के टारगेट्स मुझे दिखते हैं। ओके, तो रही आपके दोनों स्टॉक्स पर आए हमारे आज के इस पर संदीप जी की ओर से एक